Hello, I'm Dr. PPP. I am the Celebrity Guru award-winning author of the book, You Are the Celebrity, How to Become Famous. हम कनाडा में 22 साल से रहते हैं और इंडिया के प्रोविंस गुजरात के छोटे से गांव जुलासन की पैदाइशी है 47 ईयर्स अगो। हाँ जी, हम जहाँ पैदा हुए उस स्ट्रीट का नाम था महादेववास टेम्पल स्ट्रीट। दो दो बड़े टेम्पल थे मेरी स्ट्रीट में ही, और मेरे गांव में छोटे बड़े अबाउट 100+ टेम्पल्स होंगे, मगर सबसे बड़ा गांव का टेम्पल है, सबसे बड़ा, बहुत ब्यूटीफुल, वो था दलोमा का टेम्पल। वो मुस्लिम गॉडेस का टेम्पल था। हालांकि गांव की 100% पॉपुलेशन हिंदू है। अपने आप समझ सकते हैं कि जो गांव जिसकी पॉपुलेशन 100% हिंदू है, उस गांव में छोटे बड़े 100 टेम्पल्स है, और सबसे बड़ा टेम्पल मुस्लिम देवी का टेम्पल, मुस्लिम गॉडेस का टेम्पल, दलोमा का टेम्पल है। वाओ वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। और इस बात को हम बहुत गहराई से लेते हैं, ऐसे नहीं लेते कि चलो ऐसे ही हो गया। नहीं, भगवान ने, अल्लाह ने, जीसस ने पूरी यूनिवर्स में से वही कंट्री का, वही प्रोविंस का, वही छोटा सा गांव की, और वही गांव की वही गली जहाँ दो दो टेम्पल है, वो क्यों चुना? हमें लगता है कि ऊपर वाले ने हमें आने के लिए इसलिए चुना कि ऊपर वाला हमसे दो आवामों को, दो इंसानियतों को, दो मुल्कों को मिलाने के लिए हमें पैदा किया है, ऐसा हमें लगता है। हाँ जी, अब इंडिया में हमने मेडिसिन का स्टडी किया है, 22 साल पहले कनाडा में आए हैं और कनाडा में होम्योपैथी का स्टडी किया है, एक बुक लिखा है यू आर द सेलिब्रिटी हाउ टू बिकम फेमस। हमारी लाइफ में हम अबाउट मोर देन 1000 सेलिब्रिटी से मिल चुके हैं, बाय गॉड्स ग्रेस, अल्लाह की दुआ से। हॉलीवुड के हो, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज है, फेमस स्पिरिचुअल लीडर्स है, फेमस सेलिब्रिटी पॉलिटिशियंस है, एंटरप्रेन्योर्स, फेमस एंटरप्रेन्योर्स है, फेमस अवार्ड विनिंग ऑथर्स है, फेमस क्रिकेटर्स है, फेमस फेमस टेनिस प्लेयर्स है, एंड लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। हाँ जी, तो उन सब से हम बाय गॉड ग्रेस मिल चुके हैं, उनसे हमने ऑटोग्राफ लिया है, फोटोग्राफ लिया है, पूरा बहुत सारी बुके बनाई है पूरे ऑटोग्राफ्स और फोटोग्राफ्स की, राइट? यहाँ पे है, दूसरे भी है वहाँ पे, राइट? और टाइम मिला तो उनका इंटरव्यू भी लिया है। हाँ, तो इंटरव्यू लिया है तो उसमें हमने एक बात जरूर पूछी है वो सेलिब्रिटी से कि आपका व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, आप ये सक्सेस पाए हो इसी फील्ड में, आपकी फील्ड में, तो उसका सीक्रेट क्या है? सो आपको बताओ, लोगों ने, मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटी ने अपनी तरह से सेलिब्रिटी का और सक्सेस का राज बताया, मगर एक बात बताओ कि सबकी जो जो उन्होंने मैसेज मेरे से दिया उसमें एक बात एक कॉमन है, दे लव व्हाट दे डू, जो वो करते हैं उससे प्यार करते हैं, अपने वो गोल है, अपना वो वाइल्डेस्ट ड्रीम है, उनको वो क्रिस्टल क्लियर ऐसे वो मानने लगे थे जब उन्होंने वो अचीव नहीं किया था तब से, कि वो अचीव करेंगे ही करेंगे, दुनिया ऊपर से नीचे क्यों ना हो जाए, मगर दे आर गोइंग टू अचीव इट। इतना उनमें, दिल में, दिमाग में और पूरे बॉडी के सभी फाइबर्स में, सभी सेल्स में उनको मालूम था कि ये होना ही है, बस टाइम का तकाजा है, और उनका 100% वो अपनी ओर से तो वो भेजेंगे, पुटेंगे, रखेंगे ही रखेंगे, मगर और ऊपर वाला इंशाल्लाह जरूर उसका सपना पूरा करेगा, क्योंकि उसका सपना लार्जर देन लाइफ होता है, लार्जर देन लाइफ होता है, राइट? तो ये बात है। तो आप भी अपने आप को पहचानिए, आपका मिशन क्या है, आपका पैशन क्या है, आपका पर्पस क्या है, वो पहचानिए। ऊपर वाला भगवान अल्लाह जीसस ने आपको यहाँ क्यों पैदा किया है वो आप पहचानिए। अपने आप को पूछिए कि क्यों, अपने आप के अंदर वो भगवान बैठा है, अल्लाह बैठा है, जीसस बैठा है, वो आपको जवाब देगा ही देगा कि आपने उसने क्यों पैदा किया है, मगर आप पूछते रहिएगा। आपको मालूम नहीं है कि आप क्यों आए हैं इस दुनिया में, तो पूछते रहिएगा, और यही सबसे बड़ा सीक्रेट है सक्सेस पाने का और सक्सेसफुल होने का। जो इतने भी सक्सेसफुल लोग हैं,
उन्हें कहा जाता है कि दे बॉर्न ट्वाइस, पहले तो अपने मदर के गर्भ में आते हैं, आउट ऑफ सेवरल हंड्रेड मिलियन स्पर्म्स, आप भी आए हैं सेवरल हंड्रेड मिलियन स्पर्म में से, आपने वो काम कर दिया है जो किसी और ने, आपके कंपटीटर ने नहीं किया था, इसलिए तो आप, माना आप वन हुए, इसलिए तो आप पैदा हुए, राइट। हाँ, इसके बाद आप 1 साल के बने, 2 साल के बने, 4 साल के बने, नाउ अपने आप को देखो, यू नो यू आर द पावर हाउस ऑफ मल्टी ट्रिलियन सेल्स, आप अपने आप एक मल्टी ट्रिलियन सेल्स का पावर हाउस हो। हाँ जी, आप सेलिब्रिटी ही हो, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आप सेलिब्रिटी ही हो, एग्जैक्टली। नाउ हम बात करते हैं कि सपने देखो, मगर ऐसे सपने देखो कि वाइल्डेस्ट सपने देखो, बिलीव इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम। छोटे मोटे सपने मत देखो यार, बिकॉज छोटे मोटे सपने देखते हैं फुलफिल भी होते हैं, तो यार क्या पाते हैं, आप अचीव करते हैं छोटे मोटे सपने, राइट। मगर वाइल्डेस्ट ड्रीम देखो, देखो यार, तेनसिंग एंड हिलेरी थे, एक न्यूजीलैंड की ओर से था मेरे ख्याल से, एक नेपाल की ओर से था तेनसिंग, और उन्होंने सपना देखा कि हम हिमालय का सबसे बड़े से बड़ी चोटी है, शिखर है माउंट एवरेस्ट, उनको सर करेंगे। देखो यार, उसके पहले किसी ने, हालांकि करोड़ों लोग आए और चले गए, मगर किसी ने भी ऐसा फुलफिल नहीं किया था, मगर उन्होंने सोचा और डिसाइड किया, तो उन्होंने टीम बनाया, और देखो इसके बाद बहुत सारे लोग माउंट एवरेस्ट गए हैं, मगर आपको मालूम है तेनसिंग एंड हिलेरी का नाम, सबसे पहले कौन गया, तेनसिंग एंड हिलेरी गए, उनका नाम मालूम है, तो ये बात है, ये बात है। इसके बाद क्यों, लाइक पूरा लोगों का मना, राफड़ा फाटा वो हिमालय सर करने के लिए, क्यों, बिकॉज टेंसिंग एंड हिलरी कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, सब में ऐसा लगा, और दुनिया भर से लोग आए और जाने लगे, कई लोग मर भी जाते हैं, वो मंजिल पाने में, वो एवरेस्ट आप देखिएगा, वो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो हो गए कि बहुत सारे लोग, माना लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं जब वो अपना माउंट एवरेस्ट सर करते हैं, मगर उन्होंने ठान लिया होता है, आइदर मैं मरूंगा या एवरेस्ट सर करके वापस आऊंगा, देयर इज नो इन बिटवीन, आइदर यू आर प्रेगनेंट और यू आर नॉट प्रेगनेंट, इट इज नॉट इन बिटवीन, लाइक आई एम नॉट श्योर, नहीं, आइदर आप प्रेगनेंट हो या प्रेगनेंट नहीं हो। अब ना वो प्रेगनेंसी की बात करता हो तो आप सोचते होगे कि भाई ना डिलीवरी और लेडीज उसकी बात कर रहे हैं, मगर आप राइट नाउ एवरी डे यू आर प्रेगनेंट विथ अबाउट 60,000 थॉट्स। हाँ जी, एवरी डे आप अबाउट अप्रोक्सीमेटली 60,000 थॉट्स से आप प्रेग्नेंट होते हैं, यू आर प्रेग्नेंट विथ अबाउट 60,000 थॉट्स। हाँ जी, नाउ देखना ये होता है कि आउट ऑफ 60,000 थॉट्स कितनी डिलीवरी आप करते हैं, राइट। 60,000 में से आई डोंट नो हजारों थॉट्स, क्या वो क्या बोलते हैं, मिसकैरेज होता है, मिसकैरेज होता है, राइट। हाँ जी, सो ये बात है, ये बात है। हाँ जी, तो हम वायरलेस ड्रीम की बात कर रहे हैं कि आप ऐसा वायरलेस ड्रीमर बनो कि दुनिया आपको बोले, दुनिया क्या, आपके रिलेटिव बोले यार, आपका दोस्त बोले यार कि यार तू पागल हो गया है कि क्या, तू सठिया गया है कि क्या, माना ऐसे तो सपने सोचे जाते हैं यार, और सोचे हैं तो पूरे होते हैं यार, मगर देखो यार, न्यूटन था, न्यूटन बराबर है, उनने सपना देखा कि यार एप्पल का जड़ के नीचे बैठा था, एप्पल नीचे पड़ा, गिरा, उसने लगा यार कि एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों गिरा। अब यार उसने उसके दोस्तों के साथ शेयर किया होगा कि यार मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा हूँ कि यार एप्पल नीचे क्यों गया, ऊपर क्यों नहीं गया, तो उसके दोस्तों ने क्या कहा होगा उनको कि यार पागल है तू, ये क्या तेरा इलाज करवा यार, किसी किसी पागल के अस्पताल में भर्ती हो जाए, तेरे बाप ने भी एप्पल नीचे पड़ते हुए देखा है, गिरते हुए देखा है, और तेरे बाप क्या, तेरे दादा ने भी एप्पल नीचे गिरते हुए देखा होगा, ऊपर एप्पल जाता ही नहीं है, कैसा क्यों अपनी टाइम लाइफ वेस्ट कर रहा है, ऐसा कहा होगा उनके दोस्त ने। आप होते तो आप भी उसको कहते कि यार मैं क्या, तू सठिया गया है यार, हाँ मैं ऐसे तेरा दोस्त नहीं बनता हूँ, तू तो पागल है ही है, मैं तू मेरे को पागल कर देगा, राइट। मगर देखो यार, सब कहते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने डिस्कवर किया, राइट, तो ये बात है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं ना वो, राइट, तो ये बात है, तो ऐसी बात है, ऐसी बात है। हाँ, ये तो हमने भी एक सपना देखा था जब हम इंडिया में थे तब, कि हम प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन से मिलेंगे। अब देखो, इंडिया का छोटे से गांव का पैदा हुआ लड़का जो मैं हूँ, और सपना देखा हमने कि हम बिल क्लिंटन से मिलेंगे। क्यों ऐसा सपना देखा, कि अराउंड 1990 में हम थे, आई नो कई लोग पैदा नहीं हुए होंगे, मगर हम तो, हाँ 1970 की पैदाइशी है, तो हम में भी अराउंड 20 साल के थे, और हमने सपना देखा कि हम मिस्टर बिल क्लिंटन को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि उस वक्त इंडियन मीडिया में मिस्टर क्लिंटन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती थी कि भाई यूएस का एक प्रेसिडेंट आया है, क्या प्रेसिडेंट है, क्या प्रेसिडेंट है, क्या प्रेसिडेंट है यार,
हॉलीवुड का स्टार जैसा लगता है, ये लगता है, वो लगता है, क्या पर्सोना है उसका, उनके तो मीडिया में और न्यूज़पेपर में वो छा गए थे। हाँ जी, हालांकि टीवी उतने पॉपुलर नहीं थे, बिकॉज नया नया वो रेवोल्यूशन उसका टीवी का हो रहा था, मगर न्यूज़पेपर में बहुत सुनते थे, रेडियो में उनके बारे में बहुत सुनते थे। तो हमने भी सपना देखा कि क्या क्लिंटन चीज क्या है यार, हम भी उनको देखना चाहते हैं। तो हमने वो सपना देखा, वाइल्ड सपना था। हाँ जी, तो अराउंड 90, अर्ली 90s में सपना देखा। 94 में हमारे दिल रुबा, हमारे दिल की रानी, लव ऑफ माई लाइफ, वो कनाडा से आई, हमारे साथ तो शादी बनाया और हमें कनाडा बुलाया। 96 में हम कनाडा आए। 97 में मैं एक वेडिंग अटेंड करने जा रहा था यूएस में। 97 में मैं एक वेडिंग अटेंड करने जा रहा था यूएस में, मेरे कजिन का वेडिंग था। हाँ जी, अब ना उस वेडिंग को मेरे रिलेटिव्स थे, सभी ने उस वेडिंग को बॉयकॉट किया था कि कोई भी उस कजिन का रिलेटिव है वो उस वेडिंग में नहीं जाएगा। क्यों? बिकॉज उस मेरी कजिन थी, उनका वो एंगेजमेंट इंडिया से हो गया था और यूएस में वो कसिनो में काम करते करते एक इंडिया का ही बंदा था, गुजरात का ही बंदा था, उनसे लव फॉल इन लव विथ दैट गाय, राइट, फॉल इन लव विथ दैट गाय। सो कुटुंब वालों ने बोला कि यार उनका एंगेजमेंट हुआ है और इनसे क्यों लव में गिरी और क्यों उनसे शादी कर रही है। तो इसलिए उनके फादर ही, लाइक उनके फादर सेम ही सिटी, अटलांटिक सिटी में रहते थे, उनके फादर नहीं गए, ब्रदर्स नहीं गए, मगर मैं यहाँ से कनाडा से बस में जा रहा था। अब मैं कनाडा से अटलांटिक सिटी जा रहा था, विच में न्यूयॉर्क सिटी का 2 घंटे का होल्ट आता है वो बस में, तो 2 घंटे में पास बाईपास करा था, क्या करूँ, राइट। तो मैं घूम रहा था वो जिस बस स्टॉप में वो बस रुकी न्यूयॉर्क सिटी में, वहां मैं घूम रहा था बस स्टॉप पे। तो वो बस स्टॉप एक फोटो का बूथ था, फोटो का बूथ था कि आपको बिल क्लिंटन के साथ फोटो की खिंचानी है तो इस बूथ में आ जाइए, यहाँ पे वो ऑलरेडी नकली डमी बिल क्लिंटन की पिक्चर है, इसके पास बैठिए और आपके पास फोटो मिल जाएगा। तो हमने ऐसा फोटो निकाला कि मैं तो बहुत खुश हो गया, क्योंकि मेरा का तो सपना था मिस्टर क्लिंटन से मिलने का, और पूरी दुनिया में पहली दफा ही मैंने और लास्ट दफा मैंने ऐसा बूथ देखा था कि जिसमें वो बिल क्लिंटन के साथ पिक्चर निकाल सकते हैं, हालांकि नकली वो होता था, तो हमने वो निकाला। सो आपको देखना है, हम आपको दिखाते हैं। तो ये वो पिक्चर था। हाँ जी, ये वो पिक्चर था हमने निकाला। हाँ, वो हम ही है। हाँ, उस वक्त वो बड़े बड़े बाल रखते थे, बिकॉज हम नए नए कनाडा में आए थे और कनाडा में बार बार ढूंढ रहे थे वो हेयर कटने के लिए, और दूसरा हम वो भी देख रहे थे कि ओ माय गॉड, वो $10 चार्ज करते हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली, मगर $10 माना वो कनाडा इंडिया के 500 रुपीज हो गए। ओ माई गॉड यार, 500 इंडिया के रुपीज में तो यार हम बाल कटवाएंगे यार। तो एनी हाउ, और हाँ, तो हमने वो बाल बटाए थे उस वक्त। हाँ जी, तो वो फोटो निकाला। इसके बाद हमने वेडिंग अटेंड किया, इसके बाद हम घर आए और उसी फोटो को हमने बड़ा किया और लेमिनेट किया। वही फोटो है जो हमने पहले बताया, उस फोटो को हमने बड़ा किया और लेमिनेट किया। दिख रहा है, आवाज आ रही है ना, वो प्लास्टिक जैसी। हाँ जी, सो लेमिनेट किया, और हर रोज ऑलमोस्ट हर रोज उसकी ओर देखते रहते थे और अपने आप अपने ड्रीम थे उसको क्रिस्टल क्लियर करते जा रहे थे। और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इन 29th of August 2009 हमें मालूम पड़ा कि मिस्टर क्लिंटन मेरे सिटी, मेरे कंट्री टोरंटो कनाडा में आ रहे हैं। ओ माय गॉड, हम तो बहुत खुश हो गए। तो जो वेन्यू था वहां पे हम पहुंच गए, जहां पे वो आने वाले थे वहां पे हम पहुंच गए। तो वहां तो पहुंच गए, मगर वो टिकट था वो सोल्ड आउट था, पूरा स्टेडियम खचा खच, स्टेडियम पूरा अब फुल था। तो हम क्या कर रहे ना, वो तो हमारा ड्रीम था उनको देखने का। तो हम तो मना, वो फेंस होता है ना, वो दीवार होती है, उन्होंने वो की होती है ना, तो दीवार थ्रू हम मना, वो ऐसी वो सीमेंट की दीवार नहीं थी, तो बी दीवार के बीच में से ऐसे देखने की कोशिश की है कि भाई बिल क्लिंटन से हम देख सके। हम नहीं देख पाते थे, अब क्या करें। तो हमने एक 10 अबाउट 10 फीट ऊंची, 10 फीट ऊंची, हाँ जी, मैं अबाउट 5 फीट 9 इंच का हूँ, 5 फीट 8 इंच और 9 इंच का हूँ, मगर वो मेरे से भी डबल ऊंची वो दीवार थी। तो हमने वो दीवार पे चढ़ गए, वो दीवार पे चढ़ गए और वहीं से मिस्टर क्लिंटन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए को देखने की कोशिश करने लगे। नतीजा क्या हुआ, फिर भी हम
मिस्टर क्लिंटन को नहीं देख सके। ओ माय गॉड, अब करे क्या, करे तो क्या करे यार, यू नो, इनसे भी और क्या करे यार। हम अपने से डबल ऊंचाई वाली दीवार पर चढ़ गए, वहीं से देखने की कोशिश किया, मगर हम नहीं देख पाए। हमने डिसाइड किया टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज स्पीच, जब उनकी स्पीच वो खत्म होने को आई, तब हम जहां पे उनको जाने का रास्ता था वहीं पे पहुंच गए, वहीं पे पहुंच गए। और वहीं पे जो फेंस था और रोड था, उनके बीच थोड़ी जगह हमने पाई, तो हम पूरे रोड पे सो गए। हाँ, आपने सही सुना, हम मिस्टर बिल क्लिंटन को देखने के लिए पूरे रोड पे सो गए, और बिटवीन जो गैप था वो यू नो फेंस का, वो लोअर एंड और रोड, उसके बीच में से जो जगह थी, वहीं से हमने पहली दफा हमारे हीरो, हमारे ड्रीम मैन मिस्टर क्लिंटन को देखा। और जैसे ही हमने उनको देखा, हमने कहा, मिस्टर क्लिंटन, कैनेडा लव्स यू। वो मेरा पहला सेंटेंस था। मिस्टर क्लिंटन देखने लगे, आवाज कहाँ से आ रही है। फाइनली उन्होंने अबाउट आफ्टर 15-20 सेकंड उन्होंने मेरे को देखा कि बंदा तो यार नीचे रोड पे सोया हुआ है, वो गैप से बोल रहा है, और उन्होंने मेरे को देखा। और जैसे ही उन्होंने मेरे को देखा, हमने दूसरा सेंटेंस बोला, मिस्टर क्लिंटन, आई लव यू टू। आप इमेज नहीं कर सकते हमारी दिल की खुशी कितनी थी उस वक्त। हम लाइक दुनिया के नंबर वन रिचेस्ट पर्सन अपने आप को मानने लगे थे कि वाह, हमारा ड्रीम मैन मिस्टर क्लिंटन, उन्होंने हमारी ओर देखा, हमारी आवाज सुनी, यू नो, हमारी ओर प्रेम से देखा, वाव वाव। उसके बाद वो अपनी कार से वो जा रहे थे, अपना वो विंडो था हाफ उन्होंने रखा था, सो अगेन उनके दीदार हुए और हम खुशी से फूले नहीं समाते थे। इसके बाद लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 11-11-11 November 11, 2011 आया। अगेन हमें मालूम पड़ा कि मिस्टर क्लिंटन हमारे सिटी, हमारे कंट्री टोरंटो कनाडा में आ रहे हैं। उस वक्त वो आ रहे थे अपनी बुक बिल क्लिंटन बैक टू वर्क, उसका इनॉग्रेशन करने के लिए, उसका लॉन्च के लिए आ रहे थे, बिल क्लिंटन बैक टू वर्क। हाँ जी, तो हम और भी खुशी से फुलाना समा गए, और फिर से वो लोकेशन पे गए जहाँ वो आने वाले थे। हमने देखा तो बहुत सारी लाइनअप थी कि जिस लोगों ने ऑलरेडी इस बुक को प्री ऑर्डर किया था, प्री ऑर्डर माना ही नो, पहले से वो मनी दे दिया था उन्होंने, और वो बिल क्लिंटन के हाथ से वो अपना वो बुक लेने वाले थे। सो उन लोगों का लाइन था। अब हमें तो लास्ट मिनट में मालूम पड़ा था, इसलिए हमें प्री ऑर्डर करने का चांस नहीं मिला था। फिर भी हम नो लाइनअप में एट द एंड वेट करते रहे, भगवान को, अल्लाह को प्रार्थना करते रहे कि आज फिर से यू नो दीदार करा दे बिल क्लिंटन जी के, राइट। तो क्या हुआ, हमारा नंबर लग गया, उन्होंने बोला हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन, आप यहीं पे प्री ऑर्डर बुक कर सकते हैं। हमने प्री ऑर्डर कर दिया और हमें अंदर जाने को मिला। अब अंदर जाने से पहले बहुत सारा सिक्योरिटी बंदोबस्त था कि आप अपना कैमरा नहीं ले जा सकते हैं, आप अपना सेलफोन नहीं ले जा सकते हैं। अब मैं करूँ तो क्या करूँ यार, यू नो ऐसी मोमेंट को मैं कैसे जाने देता। तो हमने तो अपना कैमरा था स्नीक अराउंड कर दिया, और बाय गॉड्स ग्रेस, यू नो अल्लाह की दुआ से हम जा सके। जो सिक्योरिटी पर्सन थे उनको अपना हमारा कैमरा मालूम नहीं पड़ा, तो हम यू नो ले जा सके इनसाइड ले जा सके। तो हमने क्या किया मालूम, हमने किया वो, हमने ये किया, सेल्फी ले लिया। हालांकि उस जमाने में अराउंड 2011 में सेल्फी वर्ड इतना पॉपुलर नहीं था, मगर हमने अपने ही कैमरे से यू नो वो बिल क्लिंटन को बैकग्राउंड में रखा और हमने वो ऐसे फोटो ले लिया। सो यही फोटो हमारी फेसबुक वॉल पे है, ऑलमोस्ट आई डोंट नो जब से हमारा फेसबुक अकाउंट है, और तब से फेसबुक वॉल पे ये पिक्चर है हमारी, राइट। इसके बाद हम धीरे धीरे मिस्टर बिल क्लिंटन के नजदीक जाने लगे। तो माना क्या पर्सोना था, माना कि आप अल्लाह के बारे में पूरी लाइफ सोचते हो, यू नो उनके बारे में 5-5 दफा नमाज करते हो, मस्जिद में जाते हो, और अल्लाह के दीदार हो जाए तो आप कैसे फील करते हो, राइट। तो जैसे भगवान के मंदिर में आप जाते हो, दिन में 5-5 दफा जाते हो, प्रार्थना करते हो, ये करते हो, वो सब करते हो पूरी जिंदगी, और आपको भगवान मिल जाए तो आप कैसा फील करोगे, राइट। तो ऐसा ही हमने वो फील किया था उस वक्त, राइट। मिस्टर बिल क्लिंटन ने हमारे साथ हाथ मिलाया, यस, इसी मेरे राइट हैंड के साथ मिस्टर क्लिंटन ने अपना राइट हैंड मिलाया था, शेक हैंड किया। हमने उसके पैर को छुआ रिस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि वो हमारे आइडल थे।
आपके आइडल है नहीं है वो बात की बात है। वो मोनिका लेवेंस का चैप्टर भी उसके पहले नहीं बना था जब उनके उनसे हम प्यार करने लगे थे, इंडिया से हम प्यार करने लगे थे, राइट। हाँ जी, तो इसके बाद उन्होंने हमें अपना वो ये बुक दिया जो हमने ऑलरेडी प्री ऑर्डर किया था, उन्होंने ऑटोग्राफ दिए, यस बिल क्लिंटन लिखा हुआ है, वो उन्होंने ऑटोग्राफ अपने हाथ से दिए हैं। सो कैन यू इमेजिन, हमारा जो आइडल था बिल क्लिंटन वो हमारे पास था, उन्होंने हमारे साथ शेक हैंड किया, हमने उनके फीट टच किए, राइट, ब्लेसिंग ली उनसे, और उन्होंने अपने आप को ये बुक का ऑटोग्राफ हमें गिफ्ट दे दिया। देखो, बिलीव इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम, सपने देखो और ऐसा सपना देखो कि वाइल्डेस्ट सपने हो यार, और इसके बाद देखने के बाद अपना पूरा 100% 100% फोकस कीजिए वो सपना पूरा करने के लिए। और कहा जाता है ना कि जब किसी से आप शिद्दत से चाहते हो तो उनसे मिलाने की साजिश में पूरी कायनात लग जाती है, राइट। सो ऐसी बात है, ऐसी बात है। हमने पूरे शिद्दत से सपना देखा था, वाइल्ड सपना देखा था, छोटे से गांव का रहने वाला, इंडिया का छोटे से गांव का रहने वाला आदमी जो हम थे, हमने देखा था सपना। सपने पूरे होते हैं, पूरे होते हैं तो क्यों ना वाइल्ड सपने देखे, वाइल्ड सपने देखे, राइट। हाँ जी, तो ये था हमारा छोटा सा रियल लाइफ जर्नी सपने देखने के बारे में, सपने कैसे पूरे होते हैं उसके बारे में। हालांकि अपने लाइफ में हम हजारों से भी ज्यादा सेलिब्रिटी से मिल चुके हैं, बॉलीवुड के हो, हॉलीवुड के हो, सेलिब्रिटी टेनिस प्लेयर्स हो, सेलिब्रिटी क्रिकेटर्स हो, सेलिब्रिटी अवार्ड विनिंग ऑथर्स हो, सेलिब्रिटी पॉलिटिशियंस हो, सेलिब्रिटी स्पिरिचुअल लीडर्स हो, एंड लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। हाँ जी, हाँ जी, और अगर हमारा सपना पूरा होता है, हमारा सपना, हमारा वाइल्डेस्ट ड्रीम पूरा होता है, तो आप भी अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो। हमने अपने सपनों के साथ इतना मोहब्बत किया, इतना मोहब्बत किया, और सपने पूरे करने के लिए भी इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया कि अल्लाह ने, भगवान ने हमें हमारे सपने से मिला ही दिया, और हमारा सपना सपना नहीं रहा मगर हकीकत बन चुका। हाँ जी, सपने होते हैं, सपने पूरे भी होते हैं। हाँ जी, सो मेरा आपसे हृदय से हार्टली गुजारिश है कि आप सपने देखो, और ऐसे सपने देखो कि लोग आपको बोले कि आप पागल हो गए हो कि क्या, आप सठिया गए हो कि क्या, आर यू गोइंग मैड और वॉट, ऐसे सपने देखो। हाँ जी, और शेयर भी करो, शेयर भी करो। आप शेयर करेंगे तो कई लोग आपके सपने से जल जाएंगे, आपके सपने से जल जाएंगे, जलस होंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो आपके अच्छे फ्रेंड नहीं है। कई लोग आपके सपने को, वेरी फ्यू लोग, वेरी 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 फ्यू लोग आपको आपके सपने को एनकरेज करेंगे कि क्या बात है दोस्त, यू नो आई एम प्राउड ऑफ यू आर, यू नो मैं मानता हूँ कि तू ये सपना हासिल कर सकता है, और तेरे को इनसे मिलाऊंगा, इनसे मिलाऊंगा, बिकॉज ये लोग ने ऑलरेडी जो सपना तूने देखा है वो फुलफिल किया है। सो उनसे मिल, उनसे मिल, उनसे मिल, और तेरा सपना पूरा करने में यू नो वो सहायता करेंगे। और ऐसे लाइफ में बहुत सारे मैसेंजर आपको मिलते रहेंगे जो आपको आपकी मंजिल की ओर और नजदीक और नजदीक लेते जाएंगे। जैसे रेहान अल्लाह वाला भाई, हमारा सपना था बचपन से, हमारा सपना था कि हम दोनों, दो आवामों को, दो मुल्कों को, इंडिया पाकिस्तान में जो भी कुछ थोड़ा कुछ भी मना न नफरत है उसको मिटाने की कोशिश करेंगे, उसको मिटाएंगे। तो देखो हमें रेहान अल्लाह वाला भाई मिल गया। रेहान अल्लाह वाला भाई ने बोला कि यार नो आप मेरे मेरे पेज है, रेहान अल्लाह वाला भाई पेज है, रेहान अल्लाह वाला पेज है, 594,000 ऑलमोस्ट 6 लैक्स लाइक्स है, 6 लैक्स इस पेज पे वो व्यूअर्स है। तो उनके साथ आप एवरीडे आ सकते हैं और अपने दिल की बात, मन की नहीं, दिल की बात शेयर कर सकते हैं। हमने बोला शेयर क्यों नहीं। और देखो यार, तो ऐसे ऐसे मैसेंजर मसीहा आपको मिलते रहेंगे जो आपको आपकी मंजिल की ओर और नजदीक लेते जाएंगे। मगर ऐसे सपने देखो जो सेल्फिश ना हो, सेल्फिश ना हो, पूरी कायनात के लिए वो काम आए, ऐसे सपने देखो। जब ऐसे सपने आप देखते हैं तो माना बहुत सारी ऐसी ताकतें होती है वो आपको
आपकी मंजिल को मिलाने के लिए जुड़ जाती है। हाँ जी, बिकॉज वो सपना आपका ही सपना नहीं रहता है, वो सपना वो सुनने वाले का भी सपना बन जाता है। वो जानता है कि ये बंदा वो दिल दिल का साफ है, और वो सपना उसका सेल्फिश सपना नहीं है, सेल्फिश सपना नहीं है। तो आपको भी आपके सपने फुलफिल करने के लिए आपको भी और मैसेंजर मिलते जाएंगे, एज लॉन्ग एज यू आर क्रिस्टल क्लियर विथ योर वाइल्डेस्ट ड्रीम। हाँ जी, एज लॉन्ग एज यू नो हाउ टू अचीव योर ड्रीम, एज लॉन्ग एज आप अपने आपको 100% देते हैं, एज लॉन्ग एज आप फोकस रहते हैं, एज लॉन्ग एज आप डिसिप्लिन रहते हैं, एज लॉन्ग एज यू नो आप अपना ब्लड स्वेट एंड टीयर देते हैं आपके सपने को फुलफिल करने के लिए, तब आपके वाइल्डेस्ट ड्रीम फुलफिल होते हैं। वरना सभी के वाइल्डेस्ट ड्रीम यू सोचते हैं और यू पूरे होते हैं, तो माना उसकी मजा ही क्या यार, उसकी मजा ही क्या। मगर ये लाइफ इज द जर्नी है, राइट? सक्सेस इज नॉट द डेस्टिनेशन, सक्सेस इज द जर्नी, लाइफ इज द जर्नी। इन छोटे 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 पड़ाव आप हासिल करते जाएंगे और उसको अपना स्टेप्स बनाते जाएंगे, और ऐसे करते 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 एक दिन आपका जो वाइल्डेस्ट ड्रीम है, जो भी वाइल्डेस्ट ड्रीम हो, उससे आप सर कर सकते हैं, पा सकते हैं। और उसकी खुशी है ना दोस्तों, अनएक्सप्लेनेबल है, आप इमेजिन ही कर नहीं सकते हैं, आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं। कोई मेरे को पूछता है कि आपको कैसा लगा, आपने मिस्टर क्लिंटन को देखा पहली दफा दूसरी दफा कैसा लगा, आई कैन नॉट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता मैं, कि वो खुशी लफ्जों में मैं इजहार ही नहीं कर सकता। ऐसी बात होती है, खुशी ऐसी होती है, और ऐसे वायलेट ड्रीम आप सोचते हो तो उसे पाने की खुशी ऐसी ही होती है कि आप लफ्जों से बयान नहीं कर सकते। हाँ, लफ्जों से बयान नहीं कर सकते। कोई अंधा आदमी है और अंधा आदमी वो कोई आंख वाले को पूछे कि भाई प्रकाश क्या है मेरे को बता, तो क्या बताएगा? यू नो प्रकाश क्या है, लाइट क्या है, क्या बताएगा, बता बता के क्या बताएगा? बिकॉज वो अंधा आदमी है, यू नो उसके क्या बताएगा। तो अच्छा है कि उनकी आंखें हम वापस लौटा दे, उनका आंख का ऑपरेशन करके उनकी आंखें वापस लौटा दे, तो उनके आप मालूम पड़ जाएगा कि प्रकाश क्या है। हाँ जी, तो ये बात है, ये बात है। हाँ जी, तो आपने हमारा एक बातचीत सुना, आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट लिख के बता सकते हैं, आप अपने वाइल्ड स्ट्रीम क्या क्या है ये भी कमेंट लिख के बता सकते हैं, हमको इनबॉक्स करके भी, प्रवीण पटेल इनबॉक्स करके मैसेंजर में भी बता सकते हैं, एंड हमको बहुत खुशी होगी कि आप अपने वाइल्ड स्ट्रीम क्या है वो शेयर कर सकते हैं। तो और आपने भी कोई अपने लाइफ में कोई वाइल्ड स्ट्रीम आपने देखा हो और फुलफिल किया हो, यू नो अचीव किया हो, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट में लिख के भी, क्योंकि दूसरे हमारे वो देखने वाले हैं, कमेंट देखने वाले हैं, ये मैसेज देखने वाले हैं, उनको भी मालूम पड़े कि यार तैयब अपना सपना पूरा कर सकता है, मारा अपना पूरा पूरा वाइल्ड स्ट्रीम पूरा कर सकती है, राजा अपना पूरा यू नो सपना पूरा कर सकता है वाइल्ड स्ट्रीम, राइट, मामजी भाई अपना सपने पूरे कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, मैं भी अपना सपना पूरा कर सकता हूँ, वाइल्ड स्ट्रीम पूरा कर सकता हूँ। हाँ जी, तो ये हमारी वन ऑफ द छोटी सी कहानी थी, रियल रियल कहानी थी जो हमने आपसे दिल से शेयर किया है। आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर इसे शेयर करने का, बिकॉज आप जब केयर करते हो तो आप शेयर करते हो, केयरिंग इज शेयरिंग एंड शेयरिंग इज केयरिंग। हाँ जी, बिकॉज दुनिया में अबाउट 8 बिलियंस लोग हैं, 8 बिलियंस माना 9 जीरोज आफ्टर 8 देन 8 देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने जीरो, इतने लोग इस दुनिया में है, और हमारा गोल है कि मिनिमम 1 बिलियन लोगों को रियलाइज कराना है कि आप सेलिब्रिटी हो। 1 बिलियन मीन्स 9 जीरोज आफ्टर 1। हाँ जी, एक के बाद 9 जीरो, इतने लोगों को रियलाइज कराना है कि आप सेलिब्रिटी हो, बाय वन हैंडशेक, वन स्माइल, बाय ऐसे फेसबुक लाइव पे आके कि कुछ भी करके, कुछ भी करके, मगर बिफोर आई लीव माई लास्ट ब्रेथ, बिफोर आई टेक माई लास्ट ब्रेथ, मिनिमम 1 बिलियन लोगों को रियलाइज कराना है कि आप सेलिब्रिटी हो।
हाँ जी, जो आप ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर ही पड़ा है। सब कुछ जो कुछ आप ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर ही है, बिकॉज आप सोल हो, आपके अंदर सुप्रीम सोल है, राइट? हाँ जी, जो अपने आप को खुदा से, भगवान से अलग मत समझो, वो ही आपका क्रिएटर है, आप ही उनकी क्रिएशन हो। और क्रिएटर और क्रिएशन अलग नहीं हो सकता है, क्रिएटर एंड क्रिएशन अलग हो ही नहीं सकता है, एब्सोल्युटली। तो ये बात है, ये बात है। हाँ जी, तो आपने हमसे ध्यान से सुना, बहुत सारे हार्ट्स, वाव, लाइक्स भी भेजे, भेजते रहिएगा, हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। और हमारी बातें आपको कैसी लगी, हमने आपको इंस्पायर किया हो, मोटिवेट किया हो, तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तैयब साहब ने बोला, आई आई वॉन्ट टू लव ऑल ह्यूमैनिटी। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, तैयब भाई इज द ह्यूमैनिटी लवर है, पाकिस्तान में है, और अबाउट 15 साल से भी ज्यादा साल टीचर रह चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, और अब उन्होंने ठान लिया है कि मैं दुनिया को ह्यूमैनिटी क्या है, ह्यूमैनिटी का मैसेज क्या है, उसके बारे में मैं शेयर करूंगा। तो तैयब भाई, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। हाँ जी, हम को आप पे नाज है, और जो आपका वो मकसद है, मिशन है कि सबको मना ह्यूमैनिटी का मैसेज दुनिया के आखिरी तबके तक मैं ले जाऊंगा, तो एब्सोल्युटली इंशाल्लाह आपका सपना, जो वाइल्डेस्ट ड्रीम है, वो पूरा हो। आई नो आप रात भर, दिन और रात माना, आई नो उसके पीछे लगे रहते हैं, सोते भी बहुत कम है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप मानते हैं कि मैं कम जो सोऊंगा तो ज्यादा जीऊंगा, बिकॉज मोस्टली लेट से 8-10 घंटे लोग सोते रहते हैं, तो माना लाइफ की हाफ ऑफ द लाइफ और 1/3 ऑफ द लाइफ वो सोने में ही गुजार देते हैं, राइट? हाँ जी, वो हमारा छोटा सा हाफ एन आवर का वो बातचीत कैसा लगा? हम आपसे सुनने के लिए बेकरार है कि हम आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 कमेंट में इजहार कीजिएगा, लिखिएगा कि आपको कैसा लगा हमारा बातचीत, हमारा ये लाइफ, रियल लाइफ स्टोरी कैसा लगा। हाँ जी, बिलीव इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, डोंट लेट एनी बडी स्टील योर ड्रीम्स, जस्ट डू इट नाउ। इफ ट्रम्प कैन विन, सो कैन यू। यू आर द सेलिब्रिटी डे, यू आर द सेलिब्रिटी लाइफ, यू आर द सेलिब्रिटी।